नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नीरज सर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार आज वीडियो री एग्जाम के करंट अफेयर के साथ आपके पास उपस्थित हुआ हूँ भैया। आज ये करंट अफेयर की दूसरी क्लास है भैया, और यहाँ से आपके पेपर में एक या दो नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक भैया। तो ये जो होगा वो वीडियो री एग्जाम को लेकर क्लास होगी भैया, वीडियो री एग्जाम को लेकर ये क्लास होगी, ठीक भैया। तो हो सकता है कि इस क्लास से आपको दो या तीन नंबर का पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप लोग मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है भैया, मेरठ शहर में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो मेरठ शहर में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा भैया। दूसरा पॉइंट है भैया, कचरा से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र वाराणसी शहर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? वाराणसी शहर में स्थापित किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कचरा से कोयला बनाने वाला संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आपका ऑप्शन होगा उसमें वाराणसी शहर। तो आप लोग टिक करिएगा कि वाराणसी शहर में इसकी स्थापना की जाएगी, जो कि देश का भी पहला हो और उत्तर प्रदेश का भी पहला संयंत्र है भैया। दूसरा भैया पॉइंट है, राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन महोबा जिले में किया गया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन महोबा जिले में किया गया भैया, ठीक भैया। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है भैया, गंगा विलास क्रूज यूपी के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक दूरी तय करेगा। तो याद रखिएगा भैया
कि गंगा विलास जो क्रूज है, या गंगा विलास जहाज है, कहाँ तक दूरी तय करेगा? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ये दूरी तय करेगा भैया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्वाधिक सर्वाधिक बिजली कनेक्शन, सर्वाधिक सर्वाधिक बिजली कनेक्शन, बिजली कनेक्शन 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 देने वाले राज्यों में, देने वाले राज्यों में, देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है भैया। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, स्थान पर है। अगर आपसे पूछ लेता है कि सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो भैया प्रथम स्थान है। अगर आपसे पूछ लेता है कि द्वितीय स्थान पे कौन सा है, सेकेंड स्थान पे कौन सा है, तो सेकेंड स्थान पे आपका महाराष्ट्र है भैया। अगर आपसे पूछ लेता है तृतीय स्थान पे कौन सा है, तो तीसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु है। कौन सा है भैया? तमिलनाडु है। तो ये भी याद रखिएगा, आपका तीसरे स्थान पे कौन सा है, प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो ये याद रखिएगा भैया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ताज महोत्सव का आयोजन भैया आगरा शहर में किया गया। कहाँ किया गया? ताज महोत्सव का आयोजन, ताज महोत्सव का आयोजन, ताज महोत्सव का आयोजन आगरा शहर में किया गया। ताज महोत्सव का आयोजन आगरा शहर में, आगरा शहर में किया गया भैया। कहाँ किया गया? तो आगरा शहर में किया गया। ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया भैया? तो ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया गया, ये भी याद रखिएगा। पॉइंट नेक्स्ट भैया, श्री राम मंदिर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। श्री राम मंदिर में लाए जाने वाले, श्री राम मंदिर में लाए जाने वाले पवित्र, लाए जाने वाले पवित्र पवित्र शलिग्राम, शलिग्राम शलिग्राम नेपाल के शलिग्राम पत्थर, शलिग्राम पत्थर पत्थर नेपाल के जनकपुर के, नेपाल के जनकपुर, नेपाल के जनकपुर के गणेश्वर धाम से लाया गया। गणेश्वर धाम से, धाम से लाया गया। कहाँ से लाया गया भैया? पत्थर, जनकपुर के गणेश्वर धाम से यह पत्थर लाया गया, जिसमें सलिग्राम पत्थर में बताया जाता है कि विष्णु की जो है ये आकृति बनती है इससे, इसलिए इस पत्थर को कहाँ से लाया गया? नेपाल के जनकपुर के गणेश्वर धाम से लाया गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा भैया। नेक्स्ट पॉइंट है भैया, प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत, प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत, मित्र योजना के तहत, मित्र योजना के तहत उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा हरदोई, हरदोई हरदोई जिलों की सीमा पर, जिलों की सीमा पर 1,000 एकड़, 1,000 एकड़ में, 1,000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। टेक्सटाइल पार्क की,
पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो टेक्सटाइल पार्क की स्थापना जो है लखनऊ तथा हरदोई की सीमा पर की जा रही है। और कितने एकड़ में बनाया जा रहा है भैया? तो 1,000 एकड़ में इस पार्क की स्थापना की जा रही है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा भैया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम में पांचवे पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम में उत्तर प्रदेश का भैया, उत्तर प्रदेश का या यूपी का या उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान रहा है भैया। 14वां स्थान रहा है, कौन सा स्थान रहा है? तो 14वां स्थान रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा है, तो फर्स्ट स्थान पर भैया, प्रथम स्थान पर आपका महाराष्ट्र है भैया। और सेकेंड स्थान पर आपसे अगर पूछ लेता है कौन सा है, तो सेकेंड स्थान पे आपका हरियाणा है। कौन सा है भैया? हरियाणा है। तो ये भी याद रखिएगा, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम में यूपी का 14वां स्थान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट भैया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायमूर्ति 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 प्रिंतिकर 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 दिवाकर को नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर को नियुक्त किया गया। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है भैया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में बीमार पशुओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीमार पशुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 19 62 जारी किया गया। कौन सा नंबर जारी किया गया भैया? 1962 जारी किया गया या जारी किया गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। बीमार पशुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा जारी किया गया है? तो भैया बीमार पशुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 जारी किया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा भैया। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक 1325 जन औषधि केंद्र खोले गए जन औषधि केंद्र खोले गए जो जो देश में जो देश में प्रथम स्थान पर है जो देश में प्रथम स्थान पर है स्थान पर है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। तो 1325 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। तो ये 10-12 पॉइंट हैं भैया, यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भैया?
हम लोगों ने पढ़ा मेरठ शहर में यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, दूसरा पढ़ा कचरा से कोयला बनाने बनाने वाला देश का पहला संयंत्र वाराणसी शहर में स्थापित किया जाएगा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि कचरा से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वाराणसी शहर में स्थापित किया जा रहा है। राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया भैया, तो राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन महोबा में किया जा रहा है भैया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गंगा बिलास क्रूज यूपी के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक दूरी तय करेगा। एक जहाज है गंगा बिलास क्रूज जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक दूरी तय करेगा भैया। सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है तथा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। ये क्वेश्चन है ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया भैया, तो ताज महोत्सव का आयोजन आगरा शहर में किया गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है श्री राम मंदिर में लाए जाने वाले पवित्र शालिग्राम पत्थर नेपाल के जनकपुर के गणेश्वर धाम से लाया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तीसरा पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत यूपी के लखनऊ तथा हरदोई जिलों की सीमा पर 1,000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो टेक्सटाइल पार्क की अगर स्थापना की जा रही है तो वो लखनऊ और हरदोई की सीमा पर किया जा रहा है। अगर हरदोई होगा तो हरदोई को करेक्ट करेंगे, अगर लखनऊ होगा तो लखनऊ को करेक्ट करेंगे, अगर दोनों होंगे तो दोनों को लगाएंगे, ये याद रखिएगा भैया। दूसरा है भैया पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 2023 का यूपी का 14वां स्थान रहा। यूपी का कौन सा स्थान रहा भैया, 14वां स्थान रहा। पहले स्थान पे कौन रहा है भैया, तो महाराष्ट्र रहा है। सेकेंड स्थान पे कौन सा रहा है, तो हरियाणा रहा है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति किसे बनाया गया है, तो प्रीतिकर दिवाकर को न्यायाधीश बनाया गया है भैया। बीमार पशुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा जारी किया गया है, तो 1962 जो है ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कितने जन औषधि केंद्र हैं, तो भैया 1325 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं भैया। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हमारी क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा भैया, और इसको पसंद भी करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।